So the next one we have is, guys, generic drugs sales rise more than 170 times over last 9 years at Jan Aushadhi Kendra. तो हम प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य या जन औषधि केंद्र के बारे में जब बात करते हैं, तो अलग से भी हमने एक ऑलरेडी देखो स्कीम चला रखी है, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम, जिसके तहत जन औषधि केंद्र बनाना चाह रहे हैं जहां पे जेनेरिक दवाइयां जो है मिलती हैं। उन्होंने बताया कि आप देखो पिछले 9 साल के कंपैरेटिव 170 गुना ज्यादा जेनेरिक ड्रग सेल्स हमारी बढ़ गई है। सो मेडिसिंस टू ट्रीट गैस्ट्रिक इश्यूज, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट्स एंड पेन हैव सीन द हाईएस्ट सेल्स एट जन औषधि केंद्र अंडर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम। वेल, कुछ दिन पहले एक बात हमने पढ़ी थी कि हिंदुस्तान में 2000 प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज को हमने जन औषधि केंद्र में कन्वर्ट करने की बात की है। सो दिस जन औषधि परियोजना वॉज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स इन 2008 विद ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइसेस टू पीपल, ताकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो एक यूनिवर्सल गोल है यूनिवर्सल हेल्थ केयर का, वो इंडिया में भी हम उस बात को रियलाइज कर सके। जेनेरिक मेडिसिन की अवेलेबिलिटी का प्रोग्राम हमने इसलिए चलाया था। Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India, जो कि पहले ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया कहलाया जाता था, वो हमारी इस भारतीय जन औषधि परियोजना स्कीम की नोडल एजेंसी है, लागू करने वाली जो बॉडी है, दैट इज Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India। जो medicines इस स्कीम के तहत अवेलेबल की जाती हैं, उनको 50-90% जो है वो कम प्राइस से लगाया जाता है देन ब्रांडेड medicines। जेनेरिक ड्रग जो है उसका एग्जैक्टली सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एज द ब्रांड नेम ड्रग और सेम थेराप्यूटिक इफेक्ट होता है। हम कल बात कर भी रहे थे इस चीज के बारे में, थेराप्यूटिक वैल्यूज वो लगभग जो है मान के चलो सेम फंक्शन सेम सॉल्ट आपका वही रहता है। चीपर प्राइस के ऊपर बेचा जाता है बिकॉज द मैन्युफैक्चरर्स डज नॉट हैव टू वर्क ऑन R&D और कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल। तो वो क्लिनिकल ट्रायल्स उस बड़ी कंपनी ने की होते हैं या R&D का पैसा उस कंपनी का लगा होता है, और जेनेरिक दवाइयां बनाने वालों ने कोई R&D तो करनी नहीं होती या कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते, इसलिए पैसा लगता नहीं है। तो जब पैसा लगता नहीं तो फिर वो MRP में लगाते भी नहीं। जेनेरिक ड्रग्स प्रोविजंस जो है वो हमारे इंडिया के पेटेंट्स एक्ट 2005 के अंदर आता है, और जेनेरिक वर्जन्स ऑफ पेटेंटेड ड्रग्स विल बी परमिटेड टू बी मैन्युफैक्चर्ड एंड एक्सपोर्टेड अंडर अ कंपल्सरी लाइसेंस टू मीट मेजर हेल्थ नीड्स ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि देखो अगर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में आप महंगी दवाइयां भेजोगे तो वो लोग ऑब्वियस है अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और हेल्थ केयर का एक्सेस उन्हें मिल नहीं पाएगा। इसलिए इंडिया का जो पेटेंट्स एक्ट है 2005 उसके तहत हम ये बोलते हैं कि जो पेटेंटेड ड्रग्स है हमारी, मतलब जिन दवाइयों का पेटेंट जो है वो उन कंपनीज ने मान लीजिए करवा रखा है, रजिस्टर करवा रखा है, उनके जो जेनेरिक वर्जन हैं उन्हें परमिट किया जाए कि उनको बनाया जा सके और उन्हें कल को एक्सपोर्ट भी किया जा सके, पर एक कंपल्सरी लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा ताकि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज की जो हेल्थ नीड्स हैं हम उन्हें सपोर्ट कर सके। वेल, कुछ कंसर्न्स भी हैं जेनेरिक दवाइयों को लेके। सबसे बड़ी बात है कि जो डिलेइंग टैक्टिक्स हैं ओरिजिनेटर कंपनीज के द्वारा, जैसे कई बार वो क्या करते हैं स्ट्रेटेजिक पेटेंटिंग करवाने के नाम पे या लिटिगेशन चल रहा होता है जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर, जिसकी वजह से डिले होता रहता है, और डिले होता रहता है तो ऑब्वियस है कि उस समय तक ओरिजिनल कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेच चुकी होती। वो कहते हैं ना कि मतलब वो मार्केट में उतारने से पहले जेनेरिक दवाइयों का लाइसेंस उनको अलाउ ही नहीं करते, खींचते रहते हैं, रेड टेपिज्म करते रहते हैं, और जब देते हैं उस समय वो सॉल्ट ऑलरेडी बिक चुका होता है मार्केट, और तब दिया ना दिया एक बराबर। एक तो यही कंसर्न है, दूसरा क्वालिटी कंसर्न्स है जेनेरिक प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग, और तीसरा ये कि डॉक्टर फार्मा नेक्सस जो है हमारे इंडिया में, जो दिखता नहीं पर है और बहुत बड़ा, मतलब एक मैं कहूंगा कि एक बहुत बड़ा लॉबी करने वाला एक ग्रुप है कि ब्रांडेड ड्रग को ही प्रमोट करने के लिए जिस कदर डॉक्टर्स को इन फार्मास्यूटिकल कंपनीज के द्वारा पैकेजेस ऑफर किए जाते हैं या वगैरह वगैरह, और कई सारा विजुअल मीडिया इस बारे में बना भी हुआ है जो इस नेक्सस को एक्सप्लेन करता है। गवर्नमेंट इस सेक्टर को टैकल करने के लिए काम भी करती है पर स्टिल कुछ हद तक जो है वो निकल जाते हैं, लूप होल्स हमारे आ जाते हैं। तो ये कुछ आपके ऐसे कंसर्न्स हैं और जेन्युइन कंसर्न्स हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स, क्वालिटी कंसर्न समझ में आता है, और डॉक्टर फार्मा नेक्सस भी है। तो पर फिर भी टॉपिक याद रखिए, जन औषधि केंद्र में 170 गुना ज्यादा जो है ड्रग सेल्स आपको देखने को मिली पिछले 9 साल के कंपैरेटिव। तो ये इट्स वेरी गुड टॉपिक वी हैव।